गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर 1, प्लांट्स अराउंड अस, हमारे आसपास पेड़ पौधे। लर्निंग ऑब्जेक्ट, आज हम आपको पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यूजेस ऑफ प्लांट्स। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं। सम ऑफ देम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, उनमें से कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग वाइल सम आर वीक, कुछ पौधे बहुत मजबूत होते हैं जबकि कुछ पौधे कमज़ोर होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, जो विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार। सम प्लांट्स ग्रो ऑन वाटर एंड सम ग्रो ऑन लैंड, कुछ पौधे जमीन पर उगते हैं और कुछ पौधे पानी में उगते हैं। प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, भूमि पर उगने वाले पौधों को स्थलीय पौधे कहते हैं, मीन्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। वाइल द प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स, जबकि पानी में उगने वाले पौधों को जलीय कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मीन्स स्थलीय पौधे। प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड आर क्लासिफाइड इंटू फॉलोइंग कैटेगरीज, भूमि पर उगने वाले पौधों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है ट्रीज, सेकेंड है शर्ब्स, थर्ड है हर्ब्स, फोर्थ है क्रीपर्स एंड फाइव है क्लाइंबर्स। अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ट्रीज, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स विथ हार्ड एंड वूडी स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रीज, कठोर और लकड़ी के तनों वाले बड़े और मजबूत पौधों को पेड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेड़, स्टेम मीन्स तना। देयर हार्ड थिक एंड वूडी स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक, उनके कठोर और लकड़ी के तने को ट्रंक कहा जाता है। नीम, बनियान, गुलमोहर, पाइन आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज। नीम, बनियान, बरगद, गुलमोहर, पाइन ट्रीज के उदाहरण हैं। इसकी इमेज आपको नीचे दी गई है, नीम ट्री, बनियान ट्री, गुलमोहर ट्री एंड पाइन ट्री। शब्स, शब्स मीन्स झाड़ियाँ। स्मॉल प्लांट्स विद अ हार्ड एंड थिन स्टेम आर कॉल्ड शब्स, छोटे जो कि कठोर होते हैं और पतले तने वालों को झाड़ियाँ कहते हैं। दे आर बशी एंड स्मॉलर देन ट्रीज, वे झाड़ीदार, बशी मीन्स झाड़ीदार, वे झाड़ीदार और पेड़ों से छोटे होते हैं। शब्स लिव फॉर सेवरल ईयर्स, जो शब्स होते हैं वे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। मैरीगोल्ड, कॉटन, रोज एंड हिबिस्कस आर एग्जांपल ऑफ शब्स, जो मैरीगोल्ड है, कॉटन है, रोजेज हैं एंड हिबिस्कस होते हैं, वो शब्स के एग्जाम्पल होते हैं, मीन्स उदाहरण होते हैं। इसकी पिक्चर्स आपको इधर नीचे दी गई है। हर्ब्स, हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत काफ़ी छोटे पौधे होते हैं। दे हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम, उनकी क्या होती है, उनके पास जो नरम और कमज़ोर स्टेम मीन्स तना, उनका जो तना होता है
काफ़ी नरम होता है, सॉफ्ट सा होता है और कमज़ोर होता है। हर्ब्स लाइव फॉर फ्यू मंथ्स, जो हर्ब्स होते हैं वो कुछ महीनों तक ही जीवित रह पाते हैं। मिंट, तुलसी, कोरिएंडर, स्पिनिच आर एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स। जो मिंट, तुलसी, कोरिएंडर ये सब जो होते हैं ना, एग्जांपल होते हैं हर्ब्स की। इसकी डायग्राम आपको यहाँ दिया गया है। क्रीपर्स, क्रीपर्स मीन्स लताएं, प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। वे पौधे जो अपने आप खड़े नहीं हो सकते हैं और जो ज़मीन के साथ ही बढ़ते हैं, उन्हें क्रीपर्स कहते हैं। दे कैन नॉट ग्रो अपराइट ड्यू टू वीक स्टेम्स। वे कमज़ोर तनों के कारण सीधे खड़े नहीं बढ़ सकते, मीन्स अपने आप बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं। पम्पकिन, वाटरमेलन एंड बॉटल गॉर्ड आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्रीपर्स। कद्दू, वाटरमेलन मीन्स तरबूज और बॉटल गॉर्ड मीन्स लौकी, ये कुछ उदाहरण हैं क्रीपर्स के। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर मीन्स पर्वतारोही। द प्लांट्स विच कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन एंड क्लाइंब अप विद सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। जो पौधे अपने आप खड़े नहीं हो सकते, जो किसी के सहारे के साथ ही ऊपर बढ़ते हैं, उन्हें पर्वतारोही कहते हैं। दे नीड सपोर्ट ऑफ स्टिक्स, वॉल्स एंड अदर प्लांट्स टू ग्रो। उन्हें बढ़ने के लिए लाठी, दीवारों और अन्य पौधों के समर्थन की आवश्यकता होती है। पीस, ग्रेपवाइन, पी, मनी प्लांट आर एग्जांपल ऑफ क्लाइंबर्स। ये क्लाइंबर्स के एग्जांपल हैं, इनकी इमेज यहाँ दे रखी है। एक्वाटिक प्लांट्स मीन्स जलीय वनस्पति। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, कुछ पौधे जो पानी में उगते हैं दे आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स, उन्हें एक्वाटिक मीन्स जलीय वनस्पति कहते हैं। लोटस, वाटर लिली, हाइड्रेला आर एग्जांपल्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। ये एक्वाटिक प्लांट्स के एग्जांपल हैं, इनकी इमेज ये रही। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधों के भाग। अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक पौधे के कई भाग होते हैं और प्रत्येक भाग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दिस इज़ अ फ्लावर, यह एक फूल है। इट ग्रोज इंटू अ फ्रूट, यह फल के रूप में बढ़ता है। दिस इज़ अ फ्रूट, यह एक फल है। इट इज़ अ सॉफ्ट एंड फ्लैशी पार्ट ऑफ द प्लांट, यह पौधे का एक नरम और गुदगुदा भाग है। फ्लैशी मीन्स गुदगुदा। इट कंटेन्स सीड, इसमें बीज होता है। दिस इज अ लीफ, यह एक पत्ती है। इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट, यह पौधे के लिए भोजन बनाता है। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, अधिकांश पौधों में हरे पत्ते होते हैं, मीन्स जितने भी ग्रीन लीव्स ही होती हैं इनकी, दिखाई दे रही है आपको। दिस इज़ अ बर्ड, यह एक कली है। इट ग्रोज इंटू अ फ्लावर, यह फूल के रूप में उगती है, बढ़ती है मीन्स। दिस इज़ अ स्टेम, यह एक तना है। इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिशंस
टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पानी और, यह विभिन्न भागों में पानी और पोषक तत्व पहुंचाता है। दिस इज़ अ रूट, यह एक जड़ है। इट होल्ड्स द प्लांट एट वन प्लेस इन द सॉइल। यह वे मिट्टी है जिसमें एक जगह पर वे पौधे को रखती है। इट टेक्स वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। ये मिट्टी से पानी को पोषक तत्व लेता है। नो मोर, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड themselves। पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। द लीव्स आर नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। पत्तियों को पौधे की रसोई के रूप में भी जाना जाता है। दे यूज एयर वाटर सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल टू प्रिपेयर फूड। वे भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक पानी सूरज की रोशनी का उपयोग करते हैं। लेट अस रिकॉल, बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बड़े लंबे और मजबूत पौधे को पेड़ कहा जाता है। स्मॉल प्लांट्स विद अ हार्ड एंड थिन स्टेम आर कॉल्ड शॉब्स। कठोर और पतले तने वाले और छोटे पौधे की झाड़ियों को कहा जाता है शॉब्स। हियर आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। जो हर्ब्स होते हैं वह बहुत छोटे पौधे होते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। जमीन के साथ उगने वाले पौधों को क्रीपर्स कहा जाता है। द प्लांट्स विच कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन एंड क्लाइंब अप विद सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। वे पौधे जो अपने आप में खड़े नहीं हो सकते और किसी के समर्थन के साथ ही ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है। रूट्स स्टेम्स लीव्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जड़ तना पत्ती फल और फूल, ये एक पौधे के विभिन्न भाग हैं। अब हम यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टेम आर कॉल्ड क्या होता है, क्या कहा जाता है इन्हें? हर्ब्स कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिशंस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स? रूट नो, स्टेम राइट। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर, क्लाइंबर का एग्जाम्पल क्या है यहाँ? पम्पकिन, कॉटन या ग्रेपवाइन। अ फ्लावर ग्रोज इनटू अ बर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिव इन द हिंट बॉक्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो हिंट बॉक्स दे रखा है इनमें से छांट करके यहाँ पे आपको फिल करना है। ये आपका क्लास वर्क है, ये क्लास वर्क। Big, strong and tall plants are called trees. A new plant grows from a seed. Cotton plants is a shrubs. Watermelon is a creeper. Right, true and false. The following statements. First, plants that need support to grow are called herbs. False.
leaves prepared food for the plant? Yes, true. Root holds plants in the soil. True. Bitter gourd is a creeper. False. Unscramble the words given below. अब आपको ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इन्हें आपको अरेंज करना है. यहाँ स्पेलिंग आपको गलत दी गई है, आपको यहाँ पे सही सही स्पेलिंग लिखनी है. जैसे ये है क्रीपर्स, हर्ब्स, शर्ब्स, क्लाइंबर्स, ट्रीज. मैच द फॉलोइंग. अब आपको यहाँ पे ये जो प्लांट्स दे रखे हैं हर्ब्स शर्ब्स, इनके एग्जांपल हैं यहाँ पे. अब आपको यहाँ पे सर्च करके उसको उससे मैच करना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट आर द ट्रीज, एक्सप्लेन द एग्जांपल. पेड़ क्या होते हैं उनके एग्जांपल आपको यहाँ लिखने हैं. आपको डिफरेंस बताना है क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में. इधर आपको शब्स और हब्स में डिफरेंस बताना है. अब आपको ना यहाँ पे पांच नेम द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो पौधों के भाग होते हैं उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं. ये आपके होमवर्क में है. चैप्टर वन सब्जेक्ट साइंस प्लांट्स अराउंड अस, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ दिए. क्वेश्चन वन, व्हाट आर द ट्रीज, व्हाट आर ट्रीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल. पेड़ क्या होते हैं उनको उदाहरण सहित लिखो. बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स विद हार्ड एंड मूविंग स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रीज. पेड़ क्या होते हैं, कठोर और वूडी तना, वूडी स्टेम्स, कठोर और लकड़ी के तने वाले. बिग एंड स्ट्रॉन्ग मीन्स बड़े और मजबूत पौधे को ही पेड़ कहा जाता है. सेकेंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स के बीच में क्या करना है, डिफरेंस बताना है. क्रीपर्स Climbers. Creepers होते हैं, they cannot stand there on and grow along the ground. जो creepers होते हैं वे कभी खुद खड़े नहीं हो सकते, वे जमीन के साथ बढ़ते हैं, सिर्फ जमीन के साथ बढ़ते हैं. और जो climbers होते हैं they cannot stand there on and climb up with support. ये भी खुद खड़े नहीं हो सकते, परंतु इसे सहारे की जरूरत होती है, किसी के समर्थन की जरूरत होती है. In second hand, they cannot grow upright due to weak stems. Creepers जो होते हैं ये कमजोर तने के कारण कभी सीधे नहीं बढ़ सकते. Okay? And जो second is the climbers का, they need support of sticks, walls. जो climbers होते हैं इनको सहारे की जरूरत होती है, जैसे कि sticks और walls. Sticks लाठी की जरूरत होती है और दीवार की सहारे की जरूरत होती है. Question 3. Name the various parts of a plant. आपको इसमें क्या करना है कि जो पौधे होते हैं उनके भागों के नाम लिखने हैं. Various parts of a plant are root, stem, bud, flower, fruit, leaf. Root क्या होता है, जड़. Stem means तना. Bud होते हैं कली. Flower फल, sorry flower फूल होता है. फ्रूट फल, लीफ पत्ते, ये प्लांट्स के पार्ट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएटिव बिटवीन हर्ब्स एंड शर्ब्स. हर्ब्स, हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स. हर्ब्स होते हैं बहुत छोटे पौधे होते हैं. दे हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम. उनके पास क्या होता है कि उनका नरम और वीक स्टेम होते हैं. उनके पास क्या होती है, जो तना होता है बहुत कमजोर होता है और नरम होता है. दे लिव फॉर फ्यू मंथ्स, वे कुछ महीनों के लिए ही जीवित रह पाते हैं. एंड शर्ब्स, शर्ब्स आर बशी एंड स्मॉलर देन ट्रीज. जो शर्ब्स होते हैं वो झाड़ीदार, बशी मीन्स झाड़ीदार, जो झाड़ियाँ होती हैं बड़ी बड़ी उनसे छोटे होते हैं. एंड पेड़ों से भी छोटे होते हैं, जो शर्ब्स होते हैं झाड़ीदार और पेड़ों से छोटे होते हैं. सेकेंड, दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये बहुत साल बहुत वर्षों तक जीवित रह सकते हैं.